अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पर हम कंप्यूटर को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन आज जो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने लगे हैं उसके अंदर हम कंप्यूटर के जो इन पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। सो द फर्स्ट लॉजिकल पार्ट इज इनपुट यूनिट। इसका काम क्या है कि दिस इज अ रिसीविंग सेक्शन। तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें रिसीव करनी है। इट ऑब्टेन्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं कौन से इन्फॉर्मेशन लेगा एंड देन प्लेस इट इन द मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और उस इन्फॉर्मेशन को वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर प्लेस कर देगा ताकि उसके ऊपर फर्दर चेक्शन या जो भी सीपीयू ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, एक्शंस करने हैं, वो तमाम को तमाम कर सके। अब इनपुट जो है वो डिफरेंट इनपुट डिवाइस से ली जा सकती है। तो देर आर डिफरेंट इनपुट डिवाइस। द फर्स्ट इज़ द माउस एंड द कीबोर्ड जो कि आमतौर पर यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास टच स्क्रीन वाला कोई लैपटॉप है तो हम उसके ज़रिए इनपुट दे सकते हैं। माइक एंड वेबकैम, जैसे मैं अभी माइक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है वो एज ए इनपुट है। सबसे पहले ये इनपुट यूनिट जो है इस आवाज़ को जो भी इसके पीछे प्रोग्रामिंग है कोड को रिसीव करेगा और उसे मेमोरी में पुट कर देगा। आफ्टर दैट मेमोरी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेगी और इंटरनेट पर सेंड कर देगी। सिमिलरली जो वेबकैम है, अगर वो आपने कैमरा वगैरह ऑन किया हुआ तो वीडियो जो है वो भी हमारी इनपुट ही कंसिडर होती है। द नेक्स्ट पार्ट इज स्कैनर। डॉक्यूमेंट्स को हम जब स्कैन वगैरह करते हैं तो वो भी एज ए इनपुट है। बार कोड रीडर अक्सर आपको मार्ट्स वगैरह में नज़र आता है, तो वहाँ से यह है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड कर लेता है और आगे मेमोरी में प्लेस कर देता है, जिसके बाद उसकी कीमत जो है वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाती है। रीडिंग फ्रॉम द हार्ड डिस्क, अब ये थोड़ी सी नई चीज़ है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है तो उधर से भी जो डाटा हम रीड करते हैं वो भी एज ए इनपुट ही कंप्यूटर में जाता है। सिमिलरली अगर आप कोई मेमोरी स्टिक वगैरह लगाते हैं, यूएसबी लगाते हैं कंप्यूटर के साथ, तो वो भी कंप्यूटर के लिए एज ए इनपुट ही है। सिमिलरली सीडीज एंड डीवीडीज, इंटरनेट, इसको भी हम एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं। जब हम कोई डाटा सर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ से डाटा जो डाउनलोड कर रहे हैं तो एक्चुअली क्या है, वो कंप्यूटर के लिए इनपुट ही है। जीपीएस डिवाइसेस, तो जीपीएस डिवाइसेस जो हैं ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन जैसे गैदर करती हैं, हमारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो भी हमारे करंट होते हैं उसको गैदर करके उसको अपने सर्वर की तरफ भेज देते हैं। तो ये तमाम जो है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस आ जाएंगी। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। जैसा इनपुट यूनिट था वो रिसीविंग सेक्शन था, आउटपुट यूनिट जो होता है वो शिपिंग सेक्शन होता है। जैसे आपको पता होगा शिपिंग का मतलब है सेंड करना। तो जैसे अगर आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है लेटर्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस क्या करता है उन तमाम को डिफरेंट जो रूट्स होते हैं उनके ऊपर सेंड कर देता है पोस्ट मास्टर के जरिए। और वो जो पोस्ट मास्टर है वो आपके जो लेटर्स वगैरह होते हैं वो आपके घर में सेंड कर देते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो आउटपुट यूनिट है उसका काम क्या है कि वो कंप्यूटर के जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, जो कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन सीपीयू ने आफ्टर प्रोसेसिंग जो नेट रिजल्ट निकाला होता है और उसे मेमोरी में प्लेस किया होता है, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन को उठाता है और जो रिक्वायर्ड या जो रिस्पेक्टिव आउटपुट डिवाइस है उसके ऊपर सेंड कर देता है। अब हमारे पास कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेज हैं जिनके ऊपर इन्फॉर्मेशन जा सकती है, लेट्स सी। जैसे कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो डिस्प्ले आ रहा है इट इज़ एन आउटपुट। कंप्यूटर जो है उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है कि जैसे ये स्लाइड है नंबर 4 आई थिंक नंबर 3, तो ये प्रोसेसिंग करके ये आउटपुट यूनिट ने स्क्रीन की तरफ भेजी जिसकी वजह से हमें ये नज़र आ रहा है। सिमिलरली अगर हमने किसी पेज के ऊपर प्रिंट निकालना है तो वो भी एक आउटपुट है। जो आवाज़ मेरी आप सुन रहे हैं वो भी आउटपुट है। ये आवाज़ जो है जो मेरे माइक के ज़रिए जा रही है, मेरे माइक के थ्रू ये इनपुट है, कंप्यूटर ने इसे प्रोसेस किया, इंटरनेट के ऊपर सेंड किया। ये किस्म के क्या हो गए, मेरी तरफ से जो कंप्यूटर है वो आउटपुट किधर दे रहा है, इंटरनेट के ऊपर। आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट के थ्रू ये जो सिग्नल्स हैं इसको रिसीव कर रहा है, इसको उसने प्रोसेस किया। आफ्टर प्रोसेसिंग उसने देखा कि ये तो ऑडियो मतलब डाटा है और उसने वो आपके स्पीकर्स की तरफ भेज दिया। तो आपके जो स्पीकर्स हैं वो आउटपुट डिवाइस है, मेरी तरफ से जो माइक है वो इनपुट डिवाइस है। तो इसी में हमारा ये कवर होगा कि ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, कि जो ट्रांसमिशन है जो मेरी तरफ से यहाँ से आवाज़ जा रही है वो भी आउटपुट है, जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है ये सारी आउटपुट है। वीडियो टू अ प्रोजेक्टर, अगर हम कोई प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो जो वीडियो है वो क्या है, जो डाटा होगा वीडियो डाटा वो एज ए आउटपुट होगा और कौन सी डिवाइस की तरफ जाएगा, प्रोजेक्टर की तरफ। तो मेन काम क्या होगा कि इनपुट यूनिट का काम है डाटा को रिसीव करना थ्रू इनपुट डिवाइसेस और उसको मेमोरी में प्लेस कर देना। आउटपुट यूनिट का काम क्या है कि जो मेमोरी में प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जो रेडी टू यूज़ होती है इन्फॉर्मेशन,
उसको रिस्पेक्टिव आउटपुट डिवाइस की तरफ भेज देना। द नेक्स्ट इज द मेमोरी यूनिट, जो हम बात कर रहे हैं कि बार बार के इनपुट यूनिट जो है वो डाटा रिसीव करता है और उसे मेमोरी में प्लेस कर देता है। इस तरह जो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन होती है मेमोरी में वो आउटपुट यूनिट उसे रिसीव करता है और उसे आगे रिस्पेक्टिव डिवाइस की तरफ भेज देता है। तो ये है रैपिड एसेस एंड लो कैपेसिटी वेयर हाउस सेक्शन, यानी कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से मूव करती है लेकिन इसकी कैपेसिटी कम होती है। इसका काम क्या है? इट रिटेन्स इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन एंटर्ड थ्रू द इनपुट डिवाइस। ये उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है जो कि इनपुट डिवाइसेस के जरिए आती हैं। कब तक रखता है? जब तक कि कंप्यूटर आगे उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग ना कर ले। तो इट मेक इट अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग व्हेन नीडेड।